हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्कोप ऑफ सीएस पर। यानी कि आप सभी बच्चों ने सीए का नाम तो सुना होगा। यस सर। बट बच्चों को लगता है कि सर ट्वेल्थ के बाद मैं सीए करना चाहता हूं क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं एक अच्छे फील्ड में जाना चाहता हूं, एक अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहता हूं, अच्छी सैलरी पाना चाहता हूं और बहुत सारे डिसीजन होते हैं उसके पीछे। बट मैं आपको आज बताऊँगा कि सीए के साथ साथ कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको सिर्फ 19-20 का फर्क रहता है सब्जेक्ट्स में, है ना, बट जो आपको वैल्यू मिलती है, जो आपको सैलरी मिलती है वो लगभग सेम रहती है। तो बात करी जाए हमारे सीएस कोर्स की। ये आपका जिस तरीके से सीए में आईसीएआई उनकी हर चीज़ कवर करता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, ऐसे ही हमारा आईसीएसआई आपके सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को कंडक्ट करवाता है। जब आप ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देते हैं उसको देने के बाद आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप इसके लिए एनरोल हो सकते हैं। 3 लेवल होती हैं इसमें, सी शीट, सी एस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशन। सी शीट में आपका साल में 4 बार पेपर होते हैं, 1 जनवरी में होता है, मई में होता है, जुलाई में होता है और नवंबर में होता है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में होता है, आपके घर पर ही होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 4 सब्जेक्ट हैं, ओवरऑल 200 मार्क्स में से पासिंग के लिए 100 मार्क्स लाने पड़ते हैं। बट सर कौन करे सीएस, क्या आपको सीएस करना चाहिए, ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हो। अगर आपका बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी लेने का मन है, बिजनेस में कौन कौन से लीगल लॉ कवर होते हैं, किस एक्ट के बारे में क्या क्या जानकारी होती है, टैक्सेशन के फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, तो ये कोर्स आपके लिए बना है। आपने ट्वेल्थ में देखा होगा, अकाउंट्स में आपने पार्टनरशिप एक्ट देखा था, आपने देखा था शेयर्स वाले चैप्टर में आपने कंपनीज एक्ट देखा था, तो ये जितने भी एक्ट हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट, इन सभी एक्ट की जब जानकारी मिल जाती है तो भाई साहब वो आपको सिर्फ सीएस ही अच्छे से दे सकता है। टैक्सेशन फील्ड में अच्छे से जानकारी चाहिए आपको, स्टॉक मार्केट की जानकारी चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कोर्स को की यानी कि की मैनेजर पर्सन कहा गया है, यानी कि जब भी कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन के पीछे हमारे सीएस का हाथ होता है। तो इसके बारे में और हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि सर एक्चुअली में कंपनी सेक्रेटरी और क्या वर्क करता है। अब बात करें इसकी सैलरी की, तो अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो सैलरी पैकेज शुरुआत में रहता है वो 6-8 लाख रहता है पर एनम, 6-8 लाख रुपए सालाना, बट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। एज अ फ्रेशर मैं बता रहा हूँ, और जैसे 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 कहानी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका पैकेज भी आगे बढ़ता जाता है। तो मैंने आपको बताया 3 स्टेज होती है बेटा। सबसे पहला आपको एग्जाम देना पड़ता है सी शीट एग्जाम, जिसमें साल में 4 बार पेपर होते हैं आपके, 1 जनवरी में, 1 आपका मई में, 1 आपका जुलाई में, 1 आपका नवंबर में। पेपर जिस मंथ होता है जब आपका एग्जाम होता है उसके लगभग 10 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसको देने के बाद आपका होता है सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम जो कि आपका जून और दिसंबर में होता है। 2 ग्रुप रहते हैं इसमें, 1 ग्रुप यानी 1 मॉड्यूल में आपके अलग सब्जेक्ट और दूसरे मॉड्यूल में अलग सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, लेकिन आपको इसमें बेहतरीन से बेहतरीन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं जिनमें आपको अलग से ही रुचि आने लगती है।
आप चीजों को लीगली देखते हो, लॉ के हिसाब से देखते हो। सर मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मैं वकालत नहीं करना चाहता, उनके लिए भी ये कोर्स बना हुआ है। मुझे टैक्सेशन में बहुत ज्यादा मजा आता है, टैक्स का नाम सुनते ही बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए कोर्स। यानी कि अलग अलग फील्ड की मास्टराइजेशन आपको मिल जाती है। और जो मैंने आपको सैलरी का पैकेज बताया, ये मैंने बताया जॉब के लिए। आप जॉब के अलावा अपना ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करके आप उसे पढ़ा भी सकते हो। बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं। और जैसा कि शायद कुछ बच्चों को मालूम हो या ना मालूम है, लेकिन हम बता देते हैं कि हमारे आपके PW ने CS वाले बच्चों के लिए भी अलग से CS वाला चैनल हो रहा है, जहां पर आपको CS की सारी स्टेज, यानी कि आपको वहां पर C-sheet का सारा नॉलेज मिल जाएगा। यानी कि वहां वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। अभी उस समय अगर C-sheet की बात करी जाए तो अध्याय वह चल रहा है, जो कि फिलहाल आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन वहां से आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन रहता है, लीगल रीजनिंग रहता है, थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है, ठीक है ना। इसमें आपके जो सब्जेक्ट आएंगे वो सारे के सारे नए आएंगे, हालांकि इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो नए ही रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां जाके चेकआउट करिएगा। और बेहतरीन स्कोप इसलिए भी है कि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा डर लगता है कि सर न्यूमेरिकली उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छे से थ्योरी है। जैसे कि आपने देखा हो CA का कोर्स में, अगर आप कह सकते हो कि 70% आपके न्यूमेरिकल और 30% थ्योरी है, तो अगर मैं CS की बात करूं तो यहां भी लगभग यही है। यानी कि 60% आपकी थ्योरी है और 40% आपकी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए एक प्यारा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड और भी कोई दिक्कत आ रही है कि सर क्या मैं इस कोर्स को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इस कोर्स के बारे में और भी कोई डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं खुद वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।